डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए नीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स गुजरात बोर्ड आज हम एस का चैप्टर नंबर सेवन पढ़ने वाले हैं गुप्ता एज एंड अदर रूलर्स इस लास्ट में हमने देखा था द ग्रेट किंग अशोका के बारे में सो so उसके बाद क्या हुआ कौन से राजा आए कौन सी डायनेस्टी आई उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो यहां पर आपको दो पैराग्राफ दिख रहे हैं जिसमें से हम पहला पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं चलिए जिसमें लिखा है यहां पर इन द थर्ड सेंचुरी इंप्रेसिव गुप्ता डायनेस्टी वॉज एस्टाब्लिश्ड इन मगध तीसरी सेंचुरी में बात कर रहे हैं कहां पर बात की जा रही है यहां पर मगध में मगध राज्य में गुप्ता डायनेस्टी स्थापित हो चुकी थी थर्ड सेंचुरी में गुप्ता डायनेस्टी एस्टाब्लिस्ड पॉलिटिकल एंटिटी पीस एंड सिक्योरिटी इन इंडिया विच प्रॉट अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी दस गुप्ता एज इज कॉल गोल्डन एज ऑफ इंडिया कौन सा एज ऑफ इंडिया गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों क्योंकि जब से गुप्ता डायनेस्टी आई है इंडिया में उन्होंने पूरे भारत के अंदर लोगों को सिक्योरिटी दी है शांति दी है एंटिटी का मतलब है समथिंग रियल सो so, इंडिया में अच्छी सी प्रॉस्पेरिटी आ गई मतलब लोग खुश खुशहाल हो गए सो so, एन का मतलब है यहाँ पर समथिंग रियल जो इंडिया को मिला उसके साथ साथ अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी का मतलब है यहाँ इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ वैसी घटनाएं होने लगी थर्ड सेंचुरी में गुप्ता डायनेस्टी के अंडर सो so, गुप्ता एज को कहा गया कौन सा एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों क्योंकि इसी टाइम के दौरान बेस्ट प्रोग्रेस हुआ इंडिया का इंडिया के लोगों का गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने लोगों को शांति दी प्रॉस्पैरिटी दी और जिसके कारण लोगों ने अप्रिशिएट किया गुप्ता के राजा का कि भाई हाँ आपका काम बहुत ही अच्छा है और काफ़ी सारे फॉरेन पीपल ट्रैवलर्स वो लोग इंडिया में आए और इंडिया की तारीफ करने लगे उनकी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है ऐसा चलिए देखते हैं पैराग्राफ नंबर टू जिसमें हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त वन किंग के बारे में राजा के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक फोटोग्राफ बताना चाहूंगा यह है श्री गुप्ता श्री गुप्ता है कौन गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर है जो मगध किंगडम था उसमें गुप्ता डायनेस्टी उसके फाउंडर उनका एक लड़का था जिसका नाम था गटोरगज गुप्ता आप देख सकते हैं फोटोग्राफ के अंदर और उनका भी एक बेटा था वो था चंद्रगुप्त वन कौन से ईयर में 319 एडी में जिसने पाटली को सक्सीडेड मतलब जीत लिया था और गटरो गज के बाद उसके पिता के बाद वो एक पिताजी हट गए तो पिताजी की जगह पर उसके बेटे ने सिंहासन ले लिया ही मैरिड कुमार देवी कुमार देवी नाम की लड़की से शादी कर ली एक पावरफुल लच्छवी ट्राइब से बिलोंग करती थी ये वैसे वैसी वैसी नॉर्मल लड़की नहीं थी एक बहुत ही पावरफुल लच्छवी ट्राइब उसी ग्रुप से ये बिलोंग करती थी सो उसके बाद चंद्रगुप्त वन ने एक्सटेंड किया बाउंड्रीज ऑफ मगध मगध को और बड़ा राज्य बनाया साम्राज्य बनाया मैं बात करना चाहूंगा प्रयागराज जिसे आज हम इलाहाबाद कहते हैं वो भी मगध के अंदर आ गया साकेत अयोध्या वो भी जीत लिया धीरे धीरे ही ग्लोरियस टाइटल ऑफ धीराज लोग क्या बोलते हैं ये है हमारे महाराज पर नहीं अच्छा काम करने के बाद लोग इनको बोलने लगे महाराजाधिराज राजाओ के भी राजा मतलब धीराज सो इन ऑर्डर टू शो हिज पावर एंड ही स्टार्टेड गोल्ड कॉइन्स अब धीरे धीरे पॉपुलर हो गए तो उन्होंने तो गोल्ड क्वाइंस बना लिए अपने इमेज वाले ऐसे गोल्ड क्वाइंस काफी सारे गोल्ड क्वाइंस हैं ये सिर्फ मैंने दो लिए हैं ऐसे गोल्ड क्वाइंस बना लिए और अपनी इमेज बनाई ब्रांड रेपुटेशन बोलते हैं सो so जैसे ही दिन ऑफ हिस हि स्टार्टेड गुप्ता संवाद गुप्ता संवाद मतलब गुप्ता के बातचीत दूसरे राज्यों के साथ कि चलो भाई तुम्हारे साथ हम बातचीत करते हैं बैठते हैं और खत्म करते हैं वल्लभी रूलर्स कौन से रूलर्स यहाँ की बात कर रहा हूं वल्लभी रूलर्स ऑफ सौराष्ट्र जिन्होंने गुप्ता संवाद को एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद गुप्ता संवाद का जो इन्विटेशन भेजा गया था धीरे धीरे काफी सारे काफी सारे राज्यों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई हाँ हम तुम्हारे बातचीत को मानने के लिए तैयार हैं और हम तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए भी तैयार हैं आइए चलिए आगे के पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं चंद्रगुप्त वन के बाद मैं बात करना चाहूंगा दी एम्पर समुद्र आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में राजा का फोटो यह कब आए चंद्रगुप्त की डेथ हो गई उसका सन मतलब तेज होशियार होनहार समुद्र गुप्ता जिन्होंने पावर ले लिया मतलब अपने पिताजी की गद्दी ले ली समुद्र गुप्ता के जमाने की जो इंफॉर्मेशन है हमें उस जमाने की पिलर से मिलती है किससे मिलती है पिलर्स जो प्रयागराज में प्रयाग प्रशस्ति बराबर है ये जगह पे कुछ पिलर्स है आयरन पिलर्स है उसके ऊपर लिखा गया है और उसके कॉइंस कुछ कॉइंस भी उस जमाने के हैं उसके ऊपर आपको इसके जानकारी मिलेगी समुद्र गुप्ता के बारे में दिस प्रशस्ति हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉयल पोइट हरिसेन कौन है ये हरिसेन एक ये रॉयल पोइट थे हरिसेन जिन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स लिखी थी जिसे प्रशस्ति कहते हैं जिसके अंदर डिस्क्राइब किया है राजा के विक्ट्री के बारे में राजा के कल्चर के बारे में और राजा के अचीवमेंट्स के बारे में बहुत ही कम समय में इन वेरी शॉर्ट टाइम ही मेड हिज ट्रांसफेंट जर्नी जर्नी मतलब बहुत ही बड़ी जर्नी उन्होंने हासिल करी कहां से नदन स्टेट्स मतलब जो हम बात करें दिल्ली कश्मीर वहां से लेकर टू द कुशान रूल ऑफ अफगानिस्तान अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे समुद्रगुप्त राजकुमार उन्होंने बारह किंग को हराया साउथ इंडिया में एक दो नहीं बारह किंग्स को हराया साउथ इंडिया में इन सबको हराने के बाद धीरे धीरे सबको पटाके बहला फुसला के वाइसली प्रामाणिकता से सबको अपने अंडर कर लिया उन्होंने काफी सारे राज्यों को अपने अंडर रिस्टोर कर लिया उस राज्य के गवर्नर और ऑफिसर्स भी उनकी बात मानने लगे और उनके राज्य में काम करने लगे ये थे हमारे समुद्रगुप्ता की अचीवमेंट्स उसके बाद एक और पैराग्राफ है बच्चों यहां पर लिखा है समुद्रगुप्त वाज़ वॉज अ ग्रेट कॉन्करर कौनकरर का मतलब होता है चढ़ाई करने वाला एंड कल्चर मतलब ये कल्चर को भी मानता था और साथ में अलग अलग राज्यों को चढ़ाई करता था उस राज्य को अपने अंडर कर लेता था हिज लिटरेरी अचीवमेंट एंड हिज कैरेक्टर वर नोटेबल उनकी लिटरेरी मतलब जो पढ़ाई लिखाई उन्होंने करी थी अचीवमेंट्स उनको हासिल हुए थे एजुकेशन के अंदर वो तारीफ़ काबिल थी और उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छे कविराज नाम की कविता लिखी थी काफी सारी लिखी थी बट एक बात में आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर लिखा है अनफॉर्चुनेटली नॉट अल पोएम ऑफिस अवेलेबल टू आज एक भी पोएम आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी किसी बुक्स में लिखा है कि कौन सी पोइम लिखी है कैसी है वो पोएम ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है सो so यही मैं बताना चाहूंगा फिर वन कॉइन एक ऐसा कॉइन है जिसके अंदर समुद्र गुप्ता क्या बजा रहे हैं बजा रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वेट कीजिए ध्यान दीजिए इस कॉइन के अंदर ये समुद्र गुप्ता की मूर्ति है मतलब उनका फोटो है और वो एक वीना प्ले कर रहे हैं वीना प्ले करके क्या बताना चाहते हैं वो उनका लव बताना चाहते हैं टूवर्ड्स द म्यूजिक कि वो म्यूजिक भी पसंद करते थे तो so ये थे हमारे एम्पर समुद्र गुप्ता हमें आगे बढ़ना चाहिए और जानकारी लेनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर कुछ और लिखा है इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है उनके रेंज रेंज मतलब रूलिंग समय में उन्होंने काफी सारे मंदिर बनाए क्या बनाए मंदिर बनाए मोनेस्ट्रीज बनाए एंड जैन टेम्पल्स जैन मंदिर भी बनवाए उन्होंने फिर उन्होंने काफी सारे अश्वमेघ यज्ञ भी किए इन दिस रिगार्ड ही हैड गॉट कॉइंस मेड और इन सभी के लिए उन्होंने अलग अलग सिक्के गोल्ड के कॉइंस बनवा दिए बराबर है आप देख सकते हैं और ज्यादा कॉइंस देखने के लिए गूगल भी कर सकते हैं उन्होंने अपने दरबार के अंदर इन्हीं स्को स्कॉलर्स को इकट्ठा किया स्कॉलर्स मतलब कौन जो बहुत होशियार होता है बराबर है हाई क्वालिटी लिटरेचर जो बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी होता है सो स्कॉलर्स को राजा की जरूरत थी और राजा को स्कॉलर्स की जरूरत थी

सिग्निफिकेंट है किसी और से तुलना नहीं की जा सकती है इसके साथ साथ गुप्ता एम्पायर को खड़ा करने के लिए उनका बहुत ही बड़ा योगदान है आगे हम बात करेंगे नए राजा के बारे में समुद्र गुप्ता के बाद ऐसे तो कौन आया तो समुद्र गुप्ता के बाद जब समुद्र गुप्ता मर गए उनकी जगह पर उनकी गद्दी पर आए विक्रम आदित्य चंद्रगुप्त टू ठीक है याद रखना ये नाम थ्रोन मतलब सिंहासन पे बैठ गए चंद्रगुप्त टू ही नॉट ओनली सक्सेसफुली प्रिजर्व द ग्रेट लेगेसी ऑफ इज फादर विच ही इनहेरिटेड बट ऑल्सो एक्सपैंडेड द एम्पायर बाय कॉन्करिंग सम ऑफ द रीजन्स अभी हुआ क्या इनकी पिताजी की वजह से लेगेसी उनको ये गद्दी मिल चुकी थी पापा की गद्दी बेटे को मिली उन्होंने उसका अच्छा उपयोग किया अपने राज्य के और एक्सपैंड किया कॉन्कर किया और काफी सारे राज्य को अपने अंडर ले लिया आगे बात करना चाहूंगा मैं समुद्र गुप्त टू के और कारनामे के बारे में समुद्र गुप्त टू वाज़ द मोस्ट टैलेंटेड रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाओ कैसे थे टैलेंटेड रूलर थे The boundaries of his empire extended up to शाक Kingdom. शाक Kingdom तक उनकी बाउंड्री फैली हुई थी He attacked Gujarat. Gujarat पे अटैक किया और उसके बाद Shark क्षत्रपा डायनेस्टी के ऊपर खत्म किया गुजरात से चालू करके शाक शाक्रपा डायनासोर तक तो पहुंच गए इन मेमोरी ऑफ द द विक्ट्री टाइटल ऑफ शकरी क्या नाम दिया गया बच्चों इनको नाम दिया गया ये ये सब काम करने के बाद शकरी है है शिकारी ही कॉल्ड विक्रम आदित्य दूसरा नाम इनका फेमस नाम क्या बन गया विक्रम आदित्य बन गया पहले वो चंद्रगुप्त टू थे अच्छे काम करने के बाद उनका नाम भर गया विक्रम आदित्य आगे क्या लिखा है पढ़ो यहां से ही इंक्रीज हिज मिलिटरी पावर बाई एस्टाब्लिशिंग मैरिटल रिलेशन्स यहाँ पर ये आई गलत छप गया है एम ए आर आई टी एल मैरिटल रिलेशन विद पावरफुल किंगडम्स टू रिमूव शाख शत्रप्स हुई हंड्रेड तीन सौ साल से एक राजा था शाह क्षत्रप्स वो राज कर रहा था तो उन्होंने क्या किया उस राज्य की एक लड़की से एक राजकुमार की शादी कर ली और शादी के साथ साथ वो पूरा राज्य उनके अंडर में आ गया और वैसे ही तीन सौ साल की जो साम्राज्य को खत्म कर दिया दिस मैरिज इज प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग हिज एम्पायर एंड डिफीटिंग हिज एनिमीज ये शादियां करी उन्होंने बहुत सारी अलग अलग राज्यों की रानियों के साथ और उनके किंगडम्स भी उनके, उनके अंदर में आगे बिना लड़ाई किए न्यू टेरेटोरीज वॉन हिम ही वेरी इंपॉर्टेंट दे ऑप्टेन द रीच किंगडम्स ऑफ गुजरात एंड सौराष्ट्र द प्रॉस्परस पोर्ट्स ऑफ ब्रिगुकच जिसे हम भरूच कहते हैं एंड स्तंभ तीर्थ जिसे हम खंभात कहते हैं एज a रिजल्ट maritime trade ट्रेड ऑफ द स्टेट इंक्रीज एंड गुप्ता किंग्स बिकेम ओनर ऑफ property। प्रॉपर्टी ओ हो काफी अच्छा काम क्या किया अपनी टेरिटरीज़ बढ़ाने लगे जैसे गुजरात तक पहुंच गए सौराष्ट्र तक पहुंच गए भरूच ये पोर्ट्स तक पहुंच गए और अपना बिजनेस दूसरे कंट्रीज के साथ बढ़ाने लगे ट्रेडिंग करने लगे so सो के कारण उनका राज्य और समृद्ध बन गया पैसे वाला बन गया आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पूरे मैप के अंदर कितना बड़ा साम्राज्य इंडिया में देखो यहाँ पर ध्यान से देखो इस मैप को देखो सारी जगहों को पढ़ो क्या क्या लिखा है कौन सी जगह कहाँ पर है सो so ये जो मैप है ग्रुप्ता पीरियड का है ड्यूरिंग ग्रुप्ता पीरियड मैप ऑफ इंडिया ऐसा दिखता था और भी अलग अलग मैप गूगल पे मिल जाएंगे आप सर्च करके स्टडी कर सकते हैं बट मैं आगे बढ़ना चाहूँगा हमारे नेक्स्ट पेज के साथ सो एक एक पैराग्राफ को हम ध्यान से पढ़ेंगे सबसे पहला वाला जो पैराग्राफ है जिसके अंदर बात की गई है एक चाइनीज पिलग्रिम चाइनीज पिलग्रिम ही इस फाहीन आप देख सकते हैं फोटोग्राफ के अंदर ये चाइना से इंडिया आया था चंद्रगुप्त टू के समय में ही प्रेज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुप्ता एम्पायर वो यहां पर रहा काफी समय रहा सब कुछ देखा फिर उसके बुक के अंदर लिखा कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी जगह है यहां पर काफी अच्छी तरीके से लोगों को रखा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी बहुत ही अच्छा है वैसे चंद्रगुप्त टू वैष्णव थे बाई रिलीजन वो बाकी सब धर्मों का बाकी सब रिलीजन का बहुत ही ग्रेट रिस्पेक्ट रखते थे आदर करते थे हिज आर्मी चीफ आमराकर देव वो एक बुद्धिस्ट थे सोचो वो खुद एक वैष्णव उनका आर्मी चीफ बुद्धिस्ट और उसका स्टेट का जो मिनिस्टर था वो था शैव शिव का भक्त था इसी के साथ साथ उन्होंने खूब सारे मोनेस्ट्रीज बनाए क्या बनाए मोनेस्ट्रीज बनाए अपने पाटलिपुत्र शहर के अंदर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ के अंदर ये सारी चीजें उन्होंने बनवाई थी उस जमाने में लोगों के लिए दूसरा पैराग्राफ मैं पढ़कर समझाना चाहता हूं आपको जिसमें लिखा है बिकॉज ऑफ कल्चरल अचीवमेंट्स अचीव ड्यूरिंग हिज रेन द गुप्ता एज बिकम द गोल्डन एज गोल्डन एज कहने का बट क्यों कहने का गोल्डन एज कहने का कोई कारण है उनके अचीवमेंट्स उनके रूलिंग टाइम के दौरान जो अचीवमेंट्स गुप्ता एज को मिले इसी के कारण गुप्ता को गोल्डन एज कहा गया है गोल्डन पीरियड ऑफ ऑफ इंडिया ही ही द द एंड पोएट्स मतलब पैसे देते दे थे किसको अपने दरबार के अंदर जो स्कॉलर पोएट थे उनको काम करने के पैसे मिलते थे कि भाई आप बहुत अच्छा गा रहे हैं खूब अच्छा नाटक लिख रहे हैं खूब अच्छी ड्राइंग बना लीजिए मेरे तरफ से सोने के सिक्के द ग्रेट संस्कृत पोइट कौन थे ग्रेट संस्कृत पोइट एंड प्ले राइट कवि कालिदास देख सकते हैं आप ग्रेट कवि उसके राजा के दरबार में सबसे फेमस कवि थे कवि कालिदास क्यों थे क्योंकि वो बहुत ही अच्छी पोएम्स लिखते थे और ड्रामा लिखते थे इसके अलावा उनके रॉयल कोर्ट के अंदर एक वैद्य थे डॉक्टर धनवंतरी खास उनका एकदम खास उसके अलावा जेम्स मतलब मोती उनके जो साइंटिस्ट थे वरह मिर थे अमर कोश अमर सिंह लिखने वाले राइटर थे ये सब उनके जेम्स मतलब मोती के अनुसार थे अगर वो नहीं है तो उनको चलता ही नहीं था ड्यूरिंग हिज रूल उन्होंने क्या बनाए स्कल्पचर्स बनाए मूर्तियां बनाई ड्राॅइंग्स बनाए आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर कैसे स्कल्पचर मूर्तियां एंड ड्राॅइंग बनाते थे मैनी ऑफ आर्ट उस जमाने की काफ़ी सारी आर्ट्स उन लोगों ने अजंता एलोरा की गुफाओं में बना के रखी है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वेट कीजिए देखे ये फोटोग्राफ्स को ये ये मूर्तियों को देखिए कैसे बनाया है इनको क्या कारीगरी थी उस जमाने में देखिए आप कितनी बड़ी केव गुफा थर्टी रॉक कट कितने एक दो ने बड़े बड़े थर्टी रॉक कट देख सकते हैं आप अद्भुत नजारा है महाराष्ट्र के अंदर आया हुआ ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको टाइम मिले इस जगह को विजिट करिएगा छुट्टियों के साथ जब आप महाराष्ट्र जाओ छुट्टियों में तब की बात कर रहा हूं मैं इसके अलावा ही ये नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए पर कहा के अंदर फिर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ मेहरौली के आयरन पिलर अब इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो दिल्ली में ये आयरन पिलर में इतनी खासियत क्या है देखिए इसकी खासियत आप इसकी जानकारी लीजिए ये ट्वेंटी थ्री फिट ऊंचा है सिक्सटीन इंच उसके डायमीटर है ये आज तक कभी इसके ऊपर जंग नहीं लगा यह खराब ही नहीं हुआ मतलब ये प्योर आयरन से बना हुआ है इसके ऊपर काफी सारे मैसेजेस लिखे गए प्राकृतिक भाषा में राजा के लोगों के द्वारा इसकी खासियत ये है इसके ऊपर से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली है उस जमाने के राजा के बारे में आगे मैं बात करना चाहता हूं और क्या क्या लिखा है ही मेड उज्जैन अपना नेक्स्ट कैपिटल बनाया उन्होंने उज्जैन पाटलिपुत्र के अलावा दूसरा शहर डिवाइडेड द स्टेट उन्होंने अपने स्टेट को अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइड कर दिया काम करने के लिए उनका कार्यकाल यहां पर खत्म हो गया ओके okay, आगे जो राजा आने वाला है उसके पहले हम बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी खत्म कैसे हुई वट इज द एंड जैसे ही चंद्रगुप्त टू मतलब विक्रमादित्य मर चुके थे उनका लड़का कुमार गुप्त वन उनकी गद्दी पे बैठ चुका था पापा की गद्दी पे बैठा सो so उसके टाइम के दौरान बहुत ही आप देख सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटीज बनी यहाँ पर अजंता की इरेक्टेड इमारतें बनी ये सब किसने बनाया किसके टाइम के दौरान कुमार गुप्त वन राजकुमार के अंडर में सो so जैसे ही कुमारा गुप्त वन मर गए उनका बेटा स्कंदगुप्त वो पावर में आ गया पर हुआ क्या ये सब राजकुमार बहुत वीक थे ये सारे रूलर्स वीक थे स्कंद के बाद जो भी राजकुमार आए वो टिक नहीं पाए और अपने राज्य को राज साम्राज्य को संभाल नहीं पाए क्योंकि एक पावरफुल किंगडम था एक पावरफुल था हनाजों जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को खत्म कर दिया इन 550 एडी सो so इस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी हो रही है समाप्त आगे क्या होने वाला है ध्यान से देखिए इस वीडियो को आगे हम पढ़ने वाले हैं दी एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट विच पार्ट गुप्ता डायनेस्टी का काम काज वो साम्राज्य कैसे चलाते थे तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली है गुप्ता एज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उनके कुछ रिकॉर्ड्स स्मृतिज पुराना ये सब चीज़ें क्या है कुछ कॉइंस ये सब स्मृतिज ये लिखावट वाले बुक्स और ये कुछ पुराना इनके अंदर लिखा है भाई कि क्या होता था उस टाइम में उनकी जो गवर्निंग बॉडी थी उनको उन्होंने थ्री हिस्सों में डिवाइड कर दिया था कितने हिस्सों में थ्री मेन जो गवर्नमेंट थी एक तो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट दूसरी स्टेट लेवल की मतलब प्रोविंशियल एंड तीसरी थी लोकल बॉडी समझ में आ गया होगा आपको इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा वहां का जो एम्पर राजा था वो सेंट्रल में बैठता था सेंट्रल गवर्नमेंट में राजा का था गुप्ता इसका एडमिनिस्ट्रेशन का राजा जो मेन राजा था वो सेंटर में था और ये जो मेन राजा था उसको नाम क्या मिलता महाराजाधिराज का नाम मिलता इनको परम भागवत ऐसे ऐसे नाम मिलते सेंट्रल गवर्नमेंट के किंग को so ये था एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ एज आगे हम और पढ़ने वाले हैं खूब सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो उस जमाने में यूज किए जाते थे सबसे पहला वर्ड महाबलाधिकृत महाबलाधिकृत का मतलब है द आर्मी चीफ सबसे बड़ा सेना का अधिकारी प्रधान सेनापति जो एक्सटर्नल अफेयर संभालता था बराबर है आर्मी का जो चीफ था उसे बोलते हैं महाबलाधिकृत आगे दूसरा महासांधी विग्रही कौन है ये ये थे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स राजकीय अधिकारी या एक मंत्री मैं और बताना चाहूंगा रुकिए तीसरा है महाप्रतिहार कौन है ये महाप्रतिहार इनका काम क्या था प्राचीन काल का एक उच्च राज्य कर्मचारी चीफ ऑफ पैलेसेस एंड गेट्स बड़े बड़े पैलेस और गेट का जो गार्ड का चीफ होता था उसे बोलते थे महाप्रतिहार आगे और मैं बात करने वाला हूं यहां पर ये वाले वर्ड की सो इसे बोलते हैं महाश्वपति कौन था महाश्वपति किसको ये नाम दिया जाता था दीफ ऑफ कावरली आर्मी गज सेना का अध्यक्ष इसके बाद एक और वर्ड है महापीलुपति महापीलुपति मतलब आर्मी ऑफ एलिफेंट इसके हेड को बोलते थे महापीलुपति हाथी का देखभाल करने वाला उसके बाद है पुस्तपाल पुस्तकालय का प्रधान डॉक्यूमेंट जितने भी थे पूरे राज्य के स्टेट के उसका रखवाला मेन पर्सन इसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े और भी पढ़ेंगे हम यूजुअली वहां के जो प्रिंस मतलब राजकुमार थे उनको अपॉइंट किया जाता था हेड ऑफ प्रोविंस राज्य के सीएम चीफ मिनिस्टर जिनको क्या बोलते थे कुमारा मात्य प्राचीन भारत में राज परिवार का नायक राज्य परिवार का मेन अधिकारी इसके बाद था दूसरा वर्ड दूसरे थे वहां पर कमिश्नर प्रोविंस मतलब राज्य को बोलते थे भुक्ति उसी जगह का हेड उसी जगह का रीजनल पर्सन ही उस राज्य का हेड था द प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्स फिर प्रोविंस को क्या क्या डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया डिस्ट्रिक्ट को लोग बोलते थे विषय उस जमाने में याद रखना काम आ सकता है एग्जामिनेशन के अंदर इसके बाद कमेटी वॉज फॉर्म एक कमेटी बनती विलेज लेवल के ऊपर जैसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं जिसमें एल्डर्स बूढ़े विलेज के कुछ हेड्स और इंपॉर्टेंट सिटीजन पीपल गांव के होवा करते थे गांव की तकलीफों को दूर करने के लिए सो so ये था इनका एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट हमें आगे बढ़ना चाहिए और जाननी चाहिए इकोनॉमिक पैसे कितने थे क्या गरीब था राज्य कैसा था सो so, यहाँ की हम बात करेंगे इन इकोनॉमिक टर्म्स गुप्ता एज वाज गोल्डन पीरियड कैसा पीरियड गोल्डन क्योंकि गोल्ड के सिक्के राजा ने अपने राज्य में बनवाए थे उसके अलावा और क्या क्या है इसके अलावा इस राज्य के अंदर फार्मिंग एक मेन ऑक्यूपेशन था फार्मिंग के अलावा इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड फार्मिंग एंड बिजनेस ये है ट्रेडिंग और ये है फार्मिंग ये इनके दो मुख्य काम थे स्पेशल फार्मिंग प्रैक्टिस होती थी जिसमें एनुअल थ्री ईयर एंड फाइव ईयर का फार्मिंग प्लान भी था जिसमें ये लोग क्या उगाते वीट एंड राइस नॉर्थ इंडिया में लगभग ये उसके बाद में शुगर कैन की बात करूँ गंधार में फिर मैं ग्रेप्स और केसर की बात करूँ कश्मीर में उगते थे कोकोनट्स की बात करूँ कामरूप की बात करूँ वो भी उगाए जाते थे इसके अलावा बंगाल में बात करें ज्यादातर राइस उगते थे उगाए जाते थे गुजरात में कॉटन सिंध में भी कॉटन एंड सिल्क की बात करें तो वो बंगाल में होते थे इसके अलावा द ट्रेड ऑफ कंडीमेंट्स कंडीमेंट्स मतलब चटनी मसाले सिल्क और कॉटन ये साउथ इंडिया में डेवलप होता था आगे बढ़ना चाहूंगा मैं किंग क्या करता राज, राजा अपने लोगों के ऊपर वन सिक्स वन सिक्स मतलब कितना जितना भी आप प्रोडक्शन करते हैं उसको डिवाइड बाय सिक्स करो उतना टैक्स फॉर एन एग्जांपल, छ हजार किलो आपने प्रोड्यूस किया है तो डिवाइड बाय छ करके राजा को वन थाउजेंड किलोग्राम आपको दे देना पड़ेगा क्योंकि राजा अपनी लैंड देता था ब्राह्मण्स को टेम्पल्स के लिए डोनेट करता था और लोगों को उनकी जगह यूज करने के लिए खेती करने के लिए देता इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती थी इसके अलावा अगर बात की जाए तो वो क्या करते थे इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीज के साथ बिजनेस गुप्ता एज बहुत ही पॉपुलर था क्यों पॉपुलर था वो क्या क्या बिजनेस करते थे कॉटन का बिजनेस कॉटन बेचते सिल्क बेचते स्पाइसेस मतलब मसाले बेचते कहाँ पर बेचते सो so ये सारी चीज़ें यूरोप में भेजते थे जबकि कॉटन सिल्क स्पाइसेस कन्विमेंट्स मतलब चटनीज एंड टीम्बर मतलब लकड़े वो एक्सपोर्ट करते ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड पूरी दुनिया में इंटरनेशनल पोर्ट्स कौन से कौन से इंटरनेशनल पोर्ट्स ये रहा खंभात भरूच सूरत ताम्री लिप्ति ये है आप देख सकते हैं रूट्स देखो इनके दरियाई रूट्स देखो बिजनेस करने के रूट्स आप देखते हो ये जो ब्लू लाइनिंग है ये उनके दरियाई रोड थे दरियाई रास्ते थे एक कंट्री से मतलब इंडिया से दूसरे कंट्री में जाने के इसके बाद अगर मैं बात करूँ रिलीजियस स्टेटस उस जमाने में गुप्ता के एज में लोग कौन से भगवान को मानते किस की पूजा करते सो so सबसे बड़ी बात है हिंदुइज्म की वो हिंदुज्म को फॉलो करते इंडियन कल्चर आपको देखने को मिलता ड्यूरिंग द गुप्ता एज गुप्ता एम्पर गिव वैष्णविज्म वो वैष्णव मतलब कि विष्णु भगवान को पूजा करते जिसमें से कुछ विष्णु के अवतार राम को पूजा करते और कुछ लोग कृष्ण के भक्त थे बराबर है विष्णु का अवतार राम और कृष्ण मोस्टली वर्शिप होते थे इस जमाने में इसके अलावा लक्ष्मी सबसे फेवरेट और फेमस गॉडेस थी कौन लक्ष्मी देवी इट वॉज ड्यूरिंग टाइम ओनली दैट रामायण महाभारत क्या क्या रामायण की बात करूं महाभारत की बारो और कुछ श्रीमद भागवत गीता जैसे बुक्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता था ये सारी बुक्स को ये हमारे कल्चर की पुरानी किताबें हैं जिसका हमको आदर करना चाहिए आगे लाइक like वैष्णविज्म जो वैष्णव थे वैष्णविज्म शैविज्म मतलब जो शिव के भक्त तो वो शैविज्म जो वैष्णव के भक्त तो वो वैष्णविज्म ये गुप्ता एज में बहुत ही फैला साउथ इंडिया में शैव सेंट्स शैव के सेंट्स बहुत ही पॉपुलर थे जिसको बोलते नैनार। नयनार और अगर मैं वैष्णव के जो सेंट थे उनको लोग बोलते थे अलवार साउथ इंडिया में लोग विष्णु भगवान के ज़्यादा पहुँचते थे, थे ये पुजारी थे उनके आगे हम बात करेंगे दुर्गा माता की बात करेंगे दुर्गा माता जी बहुत ही पॉपुलर थे इसी दुर्गा माता को महिषासुर मार्दिनी भी बोलते हैं लोग बहुत ही इनकी पूजा करते हैं, मानते हैं। इसके अलावा कार्तिकेय ये भगवान थे ये भी लोग बहुत इनकी पूजा करते दुर्गा पूजा के बाद इवन बुद्धिज्म बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भी बहुत ही फैला हुआ था लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते गुप्ता एज के दौरान ही वॉज प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धिज्म वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करता है और एक में बात करना चाहूंगा आपको बुद्धिज्म में दो पंथ थे एक थे महायान और दूसरा था हिन्यान ये दो पंथ बुद्धिज्म के थे वो भी डेवलप्ड हुए ड्यूरिंग द गुप्ता एज सो ये थे रिलीजियन की बात आगे हम करेंगे गुप्ता के पीरियड में कल्चर कैसा था जानकारी हमें लेनी पड़ेगी सो so, गुप्ता एज वॉस कल्चरली गोल्डन कल्चरली गोल्डन मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पर डेवलप हुए थे कालिदास आपको पता है कवि कालिदास उसके अलावा अगर मैं और लोगों की बात करूं स्कंद स्वामी है हरी स्वामी है रानी विजया है आर्यासूर सूर्य ये सब इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स बहुत ही ज्ञानी पीपल थे ये लोग इन सभी में से कालिदास बेस्ट था जैसे आपको मैंने फोटोग्राफ दिखाई कालिदास की कालिदास को लोग इंडिया का शेक्सपियर मानते थे टेकिंग स्टोरी ऑफ इंडियन एपिक्स ही रोट एपिक्स लाइक शाकुंतलम मैं आपको बुक्स दिखाना चाहता हूँ कवि कालिदास के द्वारा लिखी गई कवि कालिदास ने अभी जाना साकुंतलम रघुवंशम एंड मेघ दूतम बहुत ही पॉपुलर है अगर आपको पढ़ना है आप ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं इसकी स्टोरी यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं आइए आगे बात करते हैं गुप्ता एज वॉज एरा ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर खूब सारे मंदिर भी बने इस जमाने में अब आप सोच रहे होंगे कौन से कौन से मंदिर तो अब ये है एक तो गुजरात का गोप मंदिर बराबर है फिर पार्वती मंदिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये रहा गोप इन गुजरात देखो पत्थरों से बनाए सिर्फ वो बोलते ना ब्रिक से ये भी देखिए पार्वती टेम्पल ऑफ नचना और झांसी का ब्रिक टेम्पल सिर्फ मैंने आपको ये तीन एग्जाम्पल देखा गूगल सर्च करोगे और भी काफी डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इन सबके बारे में So, ये भी काम किया उन्होंने इसके अलावा द गुप्ता एज मार्क्सनिंग ऑफ द आर्किटेक्चर भाई गुप्ता एज के बाद ही इंडिया में खूब सारे अच्छे अच्छे मंदिर बनने लगे उसके बाद दी आइडल्स के मतलब मूर्तियां किसकी मूर्तियां आप देखिए यहाँ पर दुर्गा माता की भगवान बुद्ध की शिव की लार्ज नंबर में इनकी मूर्तियां बनने लगी घरों में स्थापित होने लगी और पूजाएं होने लगी अब हम बात करने वाले हैं कुछ कंडीशन ऑफ साइंस साइंस में कितना आगे थे गुप्ता रूलर्स सो so मैं आपको बताना चाहूंगा टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एक है आर्यभट्ट और दूसरे है वरा ये तो ग्रेट साइंटिस्ट थे उस जमाने के क्यों साइंटिस्ट थे आर्यभट्टा ने जीरो डिस्कवर किया क्या जीरो और उसके साथ साथ डेसिमल नंबर जो आप आज लोग पढ़ रहे हो ना जीरो नंबर और डेसिमल सिस्टम ये इनकी देन है आर्यभट्टा की तो हमें तो गर्व होना चाहिए इसके बाद जो वर्म मिर हैं उन्होंने क्या लिखा इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखे कौन से टेक्स्ट लिखे बृहद संहिता लिखा और ये बृहद संहिता एस्ट्रोनॉमी के बेस के ऊपर है जिसको स्टडी करनी थी एस्ट्रोनॉमी की तारों के बारे में सो so, जो भी आकाश में जितनी भी चीज़ें हैं प्लैनट्स से स्टार्स से उसकी स्टडी करना चाहते हैं तो ये जो बुक है लोग इसकी स्टडी करते थे आगे मैं बात करने वाला हूँ अनदर इम्पोर्टेंट पर्सन जिसका नाम है क भट्ट भट्ट ने ग्रेट बुक लिखी थी आयुर्वेदिक के ऊपर और उसका नाम है बुक का अष्टांग हृदय संहिता ये जो बुक है इसके अंदर आपको दवाई की मतलब कि मेडिसिन की जानकारी मिलेंगी किसकी किसकी ह्यूमन्स की और एनिमल्स की दोनों की दवाइयों के बारे में सो so, आयुर्वेदिक उपचार लिखे थे इन्होंने इवन जो मेडिसिन थी वो भी डिस्कवर की गई थी हाथियों के लिए घोड़ों के लिए क्योंकि उस जमाने में हाथी और घोड़े आर्मी में ज्यादातर यूज होते थे सो so इसी प्रकार से केमिस्ट्री डेवलप हो गई थी उस जमाने में एंड उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल भी आपको बताया था मैंने आगे आयरन पिलर आपको लगता होगा मैं आयरन पिलर का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं अब आयरन पिलर बना है आयरन से केमिकली वो खराब हो जाना चाहिए अगर उसके ऊपर पानी गिरा तो जनरली हमारे घर पर जो आयरन होता है अगर उसके ऊपर हम कलर वलर ना करें तो एक साल में खराब हो जाएगा ये तो कई हजारों सालों से है लेकिन ये पिलर अभी तक खराब नहीं हुआ तो वो लोग भी केमिस्ट्री जानते थे कि अगर हम प्योर आयरन यूज करेंगे तो वो लंबे समय तक वैसा का वैसा ही रहेगा Coroded का मतलब काट नहीं लगेगा जंग नहीं लगेगा ये हर्षवर्धन के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं तो बात हो रही है यहां पर गुप्ता एज के बाद, की। so, उसके बाद ये जो किंगडम था इसमें जो हर्षवर्धन थे किंग हर्षवर्धन वो एकदम इंपॉर्टेंट पर्सन थे स्टेट के अंदर इंशियन इंडिया में ही बिलोंग टू पुष्य भूति क्लेन ऑफ थानेश्वर के एक प्रजाति थी मतलब एक ग्रुप था पुष्यभूति वो वहां से उभर के बाहर आए इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन ये कौन है सो so, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं देखिए सो so, यहां पर लिखा है राज्यवर्धन हर्षवर्धन एंड राजश्री तो ये कौन है ये तीनों प्रभाकर वर्धन के बच्चे प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे एक था राज्यवर्धन दूसरा था हर्षवर्धन और एक लड़की थी राजश्री और इस लड़की की शादी जो हुई थी कनौज ध्रुव के साथ यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं गॉड किंग शशांक एंड किंग ऑफ मालवा इसके बाद हुआ है, कि जब कनौज ध्रुव वर्मा के बाद शादी करने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि किंग शशांक एंड किंग ऑफ मालवा ने राजश्री को किडनैप कर लिया और उनके राज्य के ऊपर किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया जिससे बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए राजा तो उसी लड़ाई के दौरान जो एक थे राज्यवर्धन बेटे उनकी डेथ हो गई अब बचे कौन अकेले हर्षवर्धन बचे बराबर है और राज्यवर्धन कैसे मरे वो राजेशी को अपनी बहन को बचाने गए उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई हर्षवर्धन लास्ट गुड और एकदम ग्रेट एम्पर थे एंशियंट इंडिया के उन्होंने अपना एम्पायर बहुत ही बढ़ाया मगध से लेकर उड़ीसा सारस्वत गौड मिथिला कहाँ कहाँ नहीं पहुंचे इसके बाद उनके और कुछ कंटेम्प्ररी स्टेट्स जिसमें से एक मैत्रक किंग ध्रुव सेना उनको दे दिया गया था और वो उनके सनिन लॉ थे उसके बाद एक और राजकुमार ये हमारे हर्षवर्धन और एक दूसरे राजा की एंट्री होती है ये रहे इनका नाम है पुलकेशी टू ये साउथ इंडिया में मोस्ट पावरफुल रूलर उस जमाने में थे अब इनके बीच में होगी वॉर वॉर बोले तो युद्ध बैटल कहां पर नर्मदा में हमारे किंग हर्षवर्धन की यहां पर हार होती है He was defeated by पुलकेशी टू और इसके बाद किसके हाथ में राज्य आ गया पुलकेशी टू तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं यहां पर और जानकारी लेना बाकी है हर्षवर्धन के बारे में So, हम बात करेंगे हर्षवर्धन के राज्य में कल्चरल कंट्रीब्यूशन कैसा था बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस जमाने में कल्चरल क्योंकि एक ग्रेट चाइनीज ट्रैवलर कौन था ह्यून सैंग ये रहा ह्यून सैंग सैंग इंडिया आया था उस जमाने में बोलो वो उनके पैलेस में मतलब दरबार में रहा भी क्योंकि ये भाई साहब ने सुना कि यहां पर इंडिया में तो बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ चल रहा है तो मैं क्यों ना जाकर देखू स्टडी करूं तो इसलिए वो आया था इसके बाद मैं और जानकारी देना चाहूंगा हर्षवर्धन क्या थे हर्षवर्धन शिव भगवान के भक्त थे फिर धीरे धीरे वो बुद्ध भगवान को फॉलो करने लगे मतलब बुद्धिस्ट बन गए उन्होंने इज के साथ मिलकर बहुत सारी सभाएं करी कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स करी जिसमें उन्होंने बुद्ध भगवान की बहुत सारी मूर्तियां बनवाई इसके अलावा द ग्रेट एम्पर हर्ष उनको बहुत ही बड़ा पैशन था लिटरेचर का आर्ट का एजुकेशन का तो वहाँ पर एक ग्रेट पोइट थे बाना भट्ट बोलते हैं या बान भट्ट बोलते हैं ही वो असोशिएटेड विद हिस कोर्ट उसकी कोर्ट में ये बैठते थे ही हैड रिटन ग्रेट वॉल्यूम्स एक बुक लिखी है आपको बताना चाहूँगा हर्ष चरितम और दूसरी लिखी है कदम्बरी ये दोनों की दोनों बुक किसने लिखी है बान भट्ट ने सो so ये उनके दरबार में बैठते थे उसके बाद कुछ और भी थे लोग जैसे कि मयूर भट्ट एंड जय सूर्या ये भी ग्रेट पोएट्स थे एट द टाइम ऑफ हर्षा उनके दरबार में एम्पर हर्ष हिमसेल्फ ऑल्सो वॉज अ हाई रैंकिंग लिटरेरी फिगर ये भी नॉलेजेबल पर्सन थे काफ़ी सारे नॉलेज था उनको आर्ट कल्चर का एजुकेशन का लिटरेचर का उन्होंने भी टू प्लेस टू प्लेस मतलब दो नाटक लिखे थे मैं आपको बताना चाहूंगा कौन से एक है प्रिय दर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है और दूसरा है रत्नावली बराबर है ये दोनों के दोनों किसने लिखे थे याद रखना हर्षवर्धन ने इसके साथ अलॉन्ग विथ इट ही ऑल्सो रोटेशल प्ले बेस्ड ऑन जटा का टेल्स जटा का आपने नाम सुना होगा जिसमें बुद्धा के ऊपर है नागानंद ये रही जटा का स्टोरी है ये भी हर्षवर्धन ने लिखी थी सो हंड्रेड एंड परसेंट कोई भी ये सब चीजें जब जानकारी लेगा तो कहेगा कि हर्षवर्धन वॉज इंटरेस्टेड एंड पैशनेट अबाउट लिटरेचर आर्ट एंड एजुकेशन सही कहा मैंने, ना राइट आगे बढ़ते हैं, और भी जानकारी लेना चाहेंगे हर्ष वर्धन ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रेंडली रिलेशन विद कंट्रीज दूसरी सारी कंट्रियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हमारे जैसा नहीं जैसे इंडिया पाकिस्तान का कैसा है चलो हालांकि वो बात तो अलग है डेलीगेशन टू चाइना सिमिलरली अ चाइनीज डेलीगेशन ऑल्सो विजिटेड इंडिया वो यहाँ से कुछ डेलीगेशन मतलब ऊपरी अधिकारी को चाइना भेजते थे स्कॉलर्स को और वहाँ से स्कॉलर्स इंडिया में विजिट करने आते इन दिस वे हर्ष वॉज अ हाई रैंकिंग रूलर कॉनकरर एडमिनिस्ट्रेटर एंड लिटरेचर मतलब एक बहुत ही बड़ा राजा कॉनकरर जो युद्ध करके या युद्ध करे बिना और राज्य को अपने अंदर शामिल करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर अपना राज्य को अच्छी तरीके से चलाने वाला और बुद्धिमान उन्होंने सौ विलेजेस दान में दे दिए किसके लिए नालंदा विद्यापीठ को चलाने के लिए ये रही बहुत पुरानी है ये आगे बात करना चाहूंगा मैं अब बात करना चाहूंगा पुलकेशी टू आपको पता है कि पुलकेशी टू ने क्या किया था ये रहे पुलकेशी टू जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा में जहां पर युद्ध हुआ था अमॉन्ग द कंटेम्पररी किंग्स ऑफ एम्पर हर्ष टाइम पुलकेशी टू वॉज द मोस्ट पावरफुल चालुक्यन किंग हर्षवर्धन के बाद अगर कोई अच्छा और ग्रेट था वो था पुलकेशी टू वो चालुक्य का किंग था चालुक्यन किंग डायनेस्टी उसने पावर ले लिया राष्ट्र इन महाराष्ट्र वो आया कहां से था राष्ट्रकुताज फ्रॉम महाराष्ट्र से पावर लेता गया और उसने अपना राज्य बना लिया पुल के ने लगभग 40 साल तक राज किया एंड हर्षवर्धन को हरा दिया था वॉज अ ग्रेट विनर आफ्टर डिफीटिंग कदम गैंग्वर मोरियंस ऑफ कौन कन किस किसको हराया कदम को हराया महेश्वर को हराया कौन को हराया तब जाके उसको टाइटल मिला दी लॉर्ड ऑफ द साउथ साउथ का भगवान राजा पुल केशी टू यू ऑल्सो डिफीटेड लात मालव गुर्जर वापरे कितने लोगों को हराया कहना ही पड़ेगा भाई लॉर्ड ऑफ द साउथ रूलर ऑफ ऑल रीजन्स ऑफ कर्नाटका महाराष्ट्र कौन भाई पूरा साउथ कैप्चर कर लिया इन्होंने जस्ट लाइक हर्षवर्धन ही हैड ऑल्सो डेवलप रिलेशन विद अदर कंट्रीज ही हैड सेंड वन ऑफ हिज एम्बेसिडर टू ईरान्स एम्पर खुशराव टू हूज इज फ्रेंड हर्ष की तरह इन्होंने भी अपने राज्य को बहुत ही बढ़ाया दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखे उनका एक दोस्त था खुशराव टू इसको भेजा गया था ईरान में फ्रेंडशिप के लिए बिजनेस के लिए काफी सारे कामों के लिए आगे हम बात करेंगे लास्ट में एक टॉपिक बचा है चैप्टर का अदर स्टेट्स एट दिस टाइम मतलब उस जमाने में अदर स्टेट्स इंक्लूडेड पल्लवाज ऑफ कांची कौन सा पल्लवाज ऑफ कांची गुर्जर्स प्रतिहार्स ऑफ राजस्थान वल्लभी, गुर्जर्स इन साउथ गुजरात कार्कोटाको इन कश्मीर ये सारे के सारे स्टेट्स उस जमाने में थे दे हैड बिकम फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड आर्ट इन सभी में से पल्लाज ऑफ कांची के जो काम काज था बिल्डिंग्स थे उनके आर्किटेक्चर और आर्ट के लिए बहुत फेमस हुए उन्होंने काफी सारे ब्रह्मा टेम्पल्स विष्णु टेम्पल्स महेश के टेम्पल्स बनाए वो भी पत्थरों को काट काट के इसके अलावा उसके बाद है पल्लवाज जिन्होंने चेरी ओडर रथ वाला टेम्पल वो भी दरिया किनारे इससे इंडिया का कल्चर और भी मजबूत बनता गया प्रॉस्पेरिटी मतलब आज भी लोग उसको याद करते हैं इसके बाद कैलाश नाथ टेम्पल जो कांचीपुरम में है उसको सबसे बेस्ट टेम्पल उस जमाने का कहा जाता है मैं आपको दिखाता हूँ फोटो ध्यान से देखिए देखा पे? सो आज बच्चों हमने गुप्ता एज के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली है होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से चैप्टर को रीड करिएगा और क्वेश्चन आंसर को लिखिएगा सो आज का अभी तो जाने का समय आ चुका है सो so, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए प्लीज शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स और अदर क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स के साथ साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए अब मेरा बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं देन बाय टेक केयर गुड डे